हेलो फ्रेंड्स, आज से नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और नंबर सिस्टम हम आज से नहीं पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम हम सिक्स क्लास से पढ़ रहे हैं, फिफ्थ क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें पढ़े, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, रेशनल नंबर्स हो गया। हमने सेवन्थ में भी पढ़े हैं, हमने एट्थ में भी पढ़े हैं, लेकिन अब नाइन्थ में ऐसा क्या विशेष है? नाइन्थ में हम जब आए हैं तो नाइन्थ में हमको एडवांस चीजें पढ़ना है, जैसे इररेशनल नंबर हमने थोड़ा सा कहीं ना कहीं टच किए थे एट्थ क्लास में भी, बट अब जो नाइन्थ क्लास में आया है वो थोड़े ब्रॉड लेवल पे पढ़ना है, और यही फिर टेंथ लेवल में और ब्रॉड में हो जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज। से हम पहले एक्सरसाइज 1.1 से पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ताकि हम प्रीवियस सब रिकॉल कर लेते हैं, जो कि हमने पहले पढ़े थे एट्थ क्लास में, वो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि आखिर नंबर सिस्टम में होता क्या क्या है नंबर सिस्टम के एक्चुअल में। तो नंबर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सभी नंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आप जानते होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर को सबसे पहले तो हम डिनोट करते हैं एन से, और नेचुरल नंबर की डेफिनेशन होती है ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर भी अपने आप में एक खुद चैप्टर कंटेन करता है। नेचुरल नंबर एक बस बोलने में लगता है कि नेचुरल नंबर है, बट एक्चुअल में ये खुद का बहुत ब्रॉड सिलेबस है और बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि आज तक जिस भ्रम में हम आज जिंदा है कि नेचुरल नंबर में बोलते हैं कि नेचुरल नंबर वन से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, बट नेचुरल नंबर क्या आप एक तरफ डेफिनेशन बोल रहे हो कि ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि वन से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो एक तरफ काउंटिंग बोल रहे हैं, एक तरफ इन्फिनिटी बोल रहे हैं। तो पहले डिसाइड कर लेना है कि क्या बोलना है। तो पहली बात कि नेचुरल नंबर इन्फिनिटी बोलना सही नहीं है। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनेट टर्म। ऐसे टर्म जो कि खत्म नहीं होते उसको डिटर्मिनेट टर्म बोलते हैं। इन्फिनिटी वर्ड यूज करना सही नहीं है उसके लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेचुरल नंबर एक अलग कंटेन करता है। ओके, तो नेचुरल नंबर से हम देखते हैं नेचुरल नंबर में क्या क्या है। नेचुरल नंबर आप बोलते हो वन से लेकर, वन टू से लेकर जहां तक हो वो नेचुरल नंबर है। मतलब जिस नंबर को हम जहां तक गिन सके वो नेचुरल नंबर कहलाता है। वन से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होने वाले नेचुरल नंबर और जहां तक जाए वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, सेकेंड आता है होल नंबर। आगे होल नंबर क्या है? होल नंबर ऐसे नंबर है, नेचुरल नंबर का ही थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। ऐसा समझिए कि नेचुरल नंबर जो है वो वन से लेकर जाता है इंफिनिटी तक, है ना, लेकिन उसके बाद अब उसी में एक और टर्म जुड़ जाता है, वो कहलाता है जीरो। फिर जब जीरो जुड़ गया उसमें तो वो कहला गया होल नंबर। ठीक है, अब घबराइएगा नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में, और समझ में आने की पूरी गारंटी है। बस ध्यान से सुनिए, और ध्यान से बस सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा धीरे धीरे। टेंशन की बात नहीं है, नाइन्थ कोई बहुत आईआईटी वाली क्लास नहीं है, इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं लेना है। देखिए, होल नंबर में क्या है जो जीरो से स्टार्ट हो, जीरो वन टू से लेकर जहां तक आप बोल सकते हो वो है होल नंबर। अब इसी में आता है एक और लेवल पर, वो है इंटीजर्स। जो नाइन्थ के सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी आपके डिसाइड की हुई है सीबीएसई के कैरिकुलम के हिसाब से है, हम वही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स जैसे आपने, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि इंटीजर जैसे एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पर जितने भी आप नंबर शो कर सकते हो, हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन है कि नंबर लाइन पर हम अपॉन वाले नंबर्स को भी शो कर सकते हैं, जैसे 2/3, 4/3, ये सब को भी हम शो कर सकते हैं, बट वो इंटीजर्स नहीं है। नंबर लाइन पर इंटीजर्स सिर्फ वही हैं, जैसे कि -1, -2, मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ एक ही वर्ड में लिखे जाए, ठीक है, एक ही वर्ड में लिखे जाए, वो नंबर सिस्टम पर है और इंटीजर्स है। जैसे 0 से लेकर -∞ हुआ है और 0 से लेकर +∞ हुआ है, मतलब 1, 2, 3 4, 5 से लेकर इंफिनिट तक। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर तो आपने प्रीवियस में ही पढ़े हैं, मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि ज्यादा बेटर समझा सकूं। तो रेशनल नंबर वो नंबर है
इसकी डेफिनेशन है द रेशनल द नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन बोलता है कि ये p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा p अपॉन q क्या है? तो p अपॉन q कुछ भी नहीं है, जैसे हम लिखते हैं ना 1 अपॉन 2 9 अपॉन 3 4 अपॉन 5 तो यही जो लिखा हुआ टर्म है ना, ये जैसे ऊपर वाला p हो गया नीचे वाला q हो गया, हम जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यही जो फॉर्म है इसी को हम बोलते हैं p अपॉन q। क्लियर है? तो द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, पी वाई क्यू तो समझ में आया। अब देखते हैं द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स। अच्छा बोथ आर इंटीजर का मतलब है कि दोनों दोनों इंटीजर का मतलब है कि एक नंबर लाइन पर जितने भी नंबर आ सकते हैं, जैसे 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 से लेकर माइनस इंफिनिटी 1 2 3 से लेकर प्लस इंफिनिटी, इस पे जो भी नंबर डिनोट हो सकते हैं वो हम इसको बोल सकते हैं कि p अपॉन q वेयर p अपॉन q आर इंटीजर। लेकिन एक कंडीशन है, बोला है क्या कि q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q, अच्छा क्या है q, तो p है हमारा न्यूमरेटर न्यूमरेटर और q है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 का सेंस ये है कि जहां पर q जो है, जहां पर डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो जरा आप करके देखिए कि 1 अपॉन अगर मैं 0 लिख देता हूं, 1 अपॉन 0 लिखता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है लिखना? क्या 0 के टेबल में 1 आता है? 0 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूं, 0 * 1 करता हूं, 0 * 2 करता हूं, तो नहीं, कभी नहीं आता है 1, हो ही नहीं सकता है 1। तो इसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 अपॉन 0 कर दिया तो आंसर 0 आ गया, ये 0 लिखोगे तो गलत है। ठीक है बेटा, 0 नहीं लिखना है, 0 लिखने पर क्या हो जाएगा कि वो आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन हमको क्या लिखना है कि ये नॉन डिटरमिनेट टर्म है। कैसा टर्म है? नॉन डिटरमिनेट टर्म है, ये टर्म को कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ऐसे टर्म्स एग्जिस्ट तो करते हैं बट हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि 0 के टेबल में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बोला है द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बट कहीं ऐसा बोला है क्या कि p इज नॉट इक्वल टू 0? ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। तो q हमको पता है q 0 के बराबर नहीं है, पर p तो हो सकता है, p 0 के बराबर हो सकता है, हमको ये थोड़ी ना बोला है कि p 0 के बराबर नहीं है। q होगा अपने जगह पर, p q होगा, q 0 के बराबर नहीं होगा बट p तो हो सकता है, देखते हैं वो भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अगर मैं लिखूं 0 अपॉन 2 लिखूं, तो 0 अपॉन 2 जैसे ही मैंने लिखा तो मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ, क्या 2 के टेबल में 0 आता है? तो बोलोगे कि 2 इंटू 0 करे तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर 0 है। इसीलिए हम बोलते हैं कि p अपॉन q अगर मैंने लिखा तो q इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि टर्म नॉन डिटरमिनेंट हो जाती है और p जो है वो 0 हो सकता है क्योंकि टर्म पॉसिबल है। इसीलिए ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब देखते हैं कि रेशनल नंबर जो वर्ड है उसका ओरिजिन क्या है, कहां से रेशनल नंबर आया और रेशनल नंबर का सिंबल क्या होता है। तो देखते हैं, रेशनल नंबर का सिंबल होता है, रेशनल नंबर का जो सिंबल है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? तो Q से डिनोट करते हैं। अच्छा Q से डिनोट किया क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, दिक्कत नहीं लीजिएगा। रेशियो, अब देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर में एक वर्ड दिख रहा है कि रेशियो, आखिर रेशनल वर्ड होता क्या है रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर वैसे नंबर्स हैं, ये खुद बता रहा है, ये खुद दिखा रहा है कि मैं रेशियो हूं और कुछ नहीं हूं। रेशियो, रेशियो का मतलब तुमने पढ़े हो कि रेशियो कुछ ऐसा दिखता है, रेशियो कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं बोलूं कि ये 2:3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 2 अपॉन 3 लिखा हुआ है। तो 2 अपॉन 3 लिखने का सेंस क्या है यहां पे कि ये नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, इतनी सी बात थी। अब q का मतलब क्या होता है कि q एक कोशेंट है यहां पे, क्या है? कोशेंट। कोशेंट का सेंस क्या है? जैसे हम जब किसी भी टर्म को 5/2 अगर मैंने लिखा तो इसका मतलब कि मैं 2 5 को 2 से डिवाइड करूंगा। तो
तो डिवाइड देने के सेंस में अगर मैं करूं इसको, तो 2 2 जा 4 हो गया, बचा 1, पॉइंट लगा है 0 हो गया, 5 बार में किए 10 हो गया। इसका मतलब कि क्वेश्चन कितना बचा कि 2.5 बचा क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा टर्म जो कि पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए, उसका रिजल्ट डिनोमिनेट रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, उसका क्वेश्चन बच जाए। तो इसीलिए हम इसका नाम क्या दे देते हैं, क्वेश्चन, क्यू से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखते हैं। और रेशनल नंबर आया है कहां से, तो रेशियो से आया है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन समझ गए, नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर बोथ आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट हमने देखे कि पी जीरो के बराबर हो सकता है भले क्यू ना हो। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब सिलेबस आपका बोलता है, ये तो बेसिक चीज हो गई, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर, तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि अगर मैं नेचुरल नंबर की बात बोलूं तो ये 1, 2, 3 से लेकर जहां तक जाना है जाए। अब नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट है, तो बोलोगे 0 से स्टार्ट है, कहां तक गया है, जहां तक जाना है जाए। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स कहां से स्टार्ट है, तो बोलोगे माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट है, 0 बीच में आएगा, फिर 1, 2, 1, 2, 3, 4 जहां तक जाना है फिर जाए। फिर उसके बाद आता है कि आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रहते हैं हमेशा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूमरेटर बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, वो लाइक अनलाइक फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, रेशनल नंबर जो है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहना चाहिए। इसका मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि 0 कोई है रेशनल नंबर, तो बोलो कि बिल्कुल 0 रेशनल नंबर है, कैसे नहीं है, तो देखते हैं 0 रेशनल नंबर है तो कैसे है, तो वो देखते हैं। क्योंकि कोई भी टर्म अगर लिखा हुआ है उसके नीचे हमेशा 1 रहता है। ठीक है, कोई भी टर्म लिखा हुआ है तो उसके नीचे 0 नहीं रहेगा, उसके नीचे 1 रहेगा। ठीक है, नहीं पता थी तो ये बात नोट कर लीजिएगा, पता थी तो बहुत बढ़िया बात है। आगे देखते हैं, रेशनल नंबर 2/3, 1/3, 4/5 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, ये हो गया रेशनल नंबर की सीरीज। अब देखते हैं कि आखिर में, अब मैं ऐसा समझाऊं कि मेरे हाथ में मान लीजिए कि एक बॉक्स है, मैं इसमें रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, दुनिया के जितने नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन वाले नंबर हो गए, आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, जितने तरह के नंबर है, रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, होल हो गया, नेचुरल हो गया, ये सबको मैंने इस डिब्बे में डाल दिया। अब मैं जब ये डिब्बे को मिक्स कर दूंगा और जब एक इसका सॉल्यूशन निकलेगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा, पूरा का पूरा वो सॉल्यूशन जो मिक्सचर निकलेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रियल नंबर। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सभी नंबर के फादर कौन है, रियल नंबर, ये सब उनके छोटे छोटे सन है, ये फादर है। क्लियर, ये सारे नंबर्स का क्या है, फादर है, फादर ऑफ ऑल नंबर्स, रियल नंबर। क्लियर है, अभी जब रियल नंबर है, जब रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक का मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, तो कुछ ऐसा भी होता है जैसे हम जानते हैं कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होता है, तो अगर यहां पर रियल नंबर है तो कहीं ना कहीं इमेजिनरी नंबर भी तो होगा, तो इमेजिनरी नंबर भी होता है। तो अच्छा, इमेजिनरी नंबर कैसा होता है, ठीक बताएंगे। इमेजिनरी नंबर का जो टॉपिक है वो आपको 11th क्लास में पढ़ना है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर जब रियल नंबर है तो इमेजिनरी भी होगा। बोलते हैं ना कि कुछ का अगर मेरिट है तो कुछ का डिमेरिट भी है, तो अगर रियल है तो इमेजिनरी भी है, मतलब अगर सच में संख्या है तो सच में नहीं भी हो सकती है संख्या, तो ऐसी कैसे संख्या है। तो अगर मैं इमेजिनरी नंबर में अंडर रूट के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, अंडर रूट के अंदर माइनस वाले टर्म होते हैं, तो ऐसा एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता मैथ्स, लेकिन होता है ऐसा, इसीलिए इसको इमेजिनरी बोलते हैं। क्लियर है, ये बात की बात है, अभी नहीं आपको पढ़ना है, जब बाद में पढ़ना होगा मैं बताऊंगा। अब देखिए, अब आगे आते हैं कि आपने पढ़ चुके हैं, एक नाम सुना होगा आपने इक्विवेलेंट नाम का, क्या नाम सुना है, इक्विवेलेंट टर्म 8th क्लास में
बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर से, इसी से नए नए कॉन्सेप्ट जनरेट होंगे। और मैं इस वीडियो में जो बता रहा हूँ उसके बाद आप अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। पहले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है मैं जानता हूँ, लेकिन आप देखिएगा इसको। इक्विवेलेंट टर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी टर्म लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट टर्म का मतलब कि नंबर दिखना सेम नहीं है, नंबर रहे एक जैसा लेकिन थोड़ा सा बड़ा टर्म हो जाए, थोड़ा सा छोटा टर्म हो जाए, दिखे रहना वही चाहिए। अगर मैं उसको सॉल्व करूं एक्चुअल में तो आंसर वही आना चाहिए, मतलब ओरिजिनल का डुप्लीकेट होना चाहिए, है वही। देखिए जैसे 2/3 लिखा है तो अगर मैं इसको (2)(2) कर लूं, अच्छा (2)(2)(2)(2) अगर क्यों करते हैं तो मैथ्स का रूल होता है बेटा, फंडामेंटल रूल होता है कि जो भी आप न्यूमरेटर में करते हैं वो आप डिनोमिनेटर में करते हैं, जो भी आपको न्यूमरेटर में करना पड़ेगा वो आपको डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। अच्छा क्यों ऐसा करना पड़ेगा तो वो भी देख लीजिए कि अगर मैं 2 से 2 काट दूं तो आंसर मेरा 1 आएगा, तो सिंपल सी बात है ना कि मैं 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, तो 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिजिट में थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं आएगा कहीं भी, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं 2 × 2 कर दिया तो ये 4 हो गया, 2 × 3 कर दिया तो ये 6 हो गया, और 4/6 को अगर मैं फिर से डिवाइड दे दूंगा 2 से तो फिर से मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2/3। तो ये सेम है और ये भी सेम है, इसी को बोलते हैं इसका इक्विवेलेंट टर्म। अच्छा अब इक्विवेलेंट कितने, इनफाइनाइट इक्विवेलेंट टर्म होते हैं किसी भी फ्रैक्शन में। देखते हैं अगर मैं 2/3 को 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर से नया इक्विवेलेंट टर्म मिल जाएगा 10/15 हो गया, फिर से अगर आप इसको 5 से काटिएगा तो 2 × 5 = 10 हो गया, 2 × 3 = 15 हो गया, 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, दोनों सेम हो गए। इसका मतलब कि इसका एक और इक्विवेलेंट टर्म आ गया ये। अच्छा अब बात ये आई कि मैंने इक्विवेलेंट क्यों बताया, क्योंकि आपके 1.1 में क्वेश्चंस हैं कि फाइंड सम रेशनल नंबर्स बिटवीन इतना एंड इतना, दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको कुछ रेशनल नंबर बताना है, तो बिल्कुल इजी इजी टॉपिक है वो, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। जैसे हमको बोला अगर कि 1 और 2 के बीच में आप 4 रेशनल नंबर फाइंड करिए, कितने 4 रेशनल नंबर फाइंड करिए, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2। ओके क्वेश्चन हो गया अपना। अब देखिए 1 और 2 के बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला है, तो बहुत आसान सा ट्रिक है, बहुत आराम से समझना और बहुत बढ़िया है, जो मैंने बताया ना इक्विवेलेंट टर्म, तो इसमें क्या करना रहता है, बस डिनोमिनेटर सेम करना है और कुछ भी नहीं करना है। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अगर मैं 1 लिखा हुआ है तो 1 के नीचे तो 1 होता ही है, 2 लिखा हुआ है तो 2 के नीचे भी 1 होता है, ठीक है। तो मुझे 1 से 2 पर जाने के लिए एक बढ़ना पड़ रहा है, 1 से 2 पर जाने के लिए एक स्टेप बढ़ना पड़ रहा है, तो कितने रेशनल नंबर उसके बीच में है, तो 1 और 2 है ना, मतलब 1 + 1 करूंगा तो 2 आ जाता है। तो अच्छा देखिए अब नए नए रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करिए, बस डिजिट जो इसका नीचे वाला जो टर्म है ना उसको बस मल्टीपल उसको सेम कर दीजिए, बराबर कर देना है और कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है और फिर आगे बढ़ जाना है। देखिए अगर मैं इसको 3 × 3 कर दूं, इसको 3 × 3 कर दूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3 हो जाए, मतलब ऊपर में 3/3 हो गया और इधर हो गया 6/3। तो अब मुझे बताइए कि इसके बीच में रेशनल नंबर कितने निकल गए, तो बोलोगे 3/3, 4/3, 5/3 और 6/3, कितने रेशनल नंबर निकले हैं, 2 रेशनल नंबर निकले हैं। अच्छा हमको निकालना तो 4 था, लेकिन अब बात यह आती है कि 4 आराम से निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं कर रहे आप, क्या करिए बस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए थे, आप चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, मतलब न्यूमरेटर में 5 से और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई की तो 5 हो गया, नीचे में 5 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 5, मतलब दोनों का बेस सेम है, बेस बोले तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 से 10 जाना है, 5 रेशनल नंबर उसमें है, 5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 4 रेशनल नंबर मिल चुके हैं, ठीक है। तो इतना इजी सा कंसेप्ट था और इसमें कुछ भी नहीं करना था। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन आपकी बुक का एक क्वेश्चन है,
फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 3/5 and 4/5 इसके बीच में बोला है आपको कि फाइव रेशनल नंबर निकालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से देख रहे हैं हम कि दोनों का जो बेस है वो सेम है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो हमको कुछ नहीं करना है। अगर तीन से चार है, तीन 3/5 दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है, बस क्या करिए कि 3/5 को आप 6 into 6 कर दीजिए इसको, और into 6 कर दीजिए, एंड 4/5 को into 6 कर दीजिए, into 6 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 24 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। तो आप गिन लीजिए, दोनों का बेस सेम है कि नहीं, 30 इधर भी है और 30 इधर भी, तो 30-30 दोनों जगह है, तो हम क्या किए, 18, 19, 20, 21, 22, 23 5 रेशनल नंबर यहाँ पे निकल गए, आराम से निकल गए, तो 5 रेशनल नंबर निकल गए यहाँ पे। इसका मतलब जो इसके बीच में आंसर आएगा 19/30। एक चीज जानिए, आपको कंफ्यूजन वहां पे होगी कि जब आप आंसर देखिएगा बुक में तो मैच नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी दो डिजिट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हैं, तो अगर आप ये मेथड कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये मेथड बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही है। आपको निकालने के बहुत तरीके हैं, आप चाहो तो 3/5 को 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4/5 को इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, 30/50 हो गया, 40/50 हो गया, इसका मतलब इसके बीच में 9 रेशनल नंबर निकल गए, ठीक है, 9 रेशनल नंबर निकल गए, तो 9 रेशनल नंबर निकल गए, तो ये रेशनल नंबर अलग है, ये रेशनल नंबर अलग है, तो हो सकता है कि आंसर कुछ और तो निकाल रहा हो, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कि इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, पूछा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर हो सकता है, तो मैंने अभी बताया था कि 0 अगर लिखा हुआ है तो 0 क्या रेशनल नंबर नहीं है, 0 के नीचे 1 नहीं है, क्या ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, है, तो अब बोला गया है, हम तो बोल रहे हैं कि यस 0 इज इन द फॉर्म इज अ रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट 0 एज अ इन द फॉर्म ऑफ 0 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, 0 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए कि अब बोला गया है यहां पे कि अगर आप 0 को बोल रहे हैं कि रेशनल नंबर है तो बताइए कि कैसे है, प्रूफ करके दिखाइए। तो देखते हैं, 0 एक रेशनल नंबर है, हमने बोले कि यस स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हम इसको प्रूफ कैसे कर रहे हैं, तो अपॉन में 2 कर दीजिए, इसको अपॉन में 6, अपॉन में कुछ भी आप लिख दीजिए, 29 लिख दीजिए, तो अगर आप डिवाइड होंगे तो आंसर हमेशा आपका 0 आएगा। तो हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि आंसर ये P/Q के फॉर्म में है, यही बोला है कि इसको अगर 0 एक रेशनल नंबर है तो उसको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या Q के 0 के बराबर है, नहीं है, Q 0 के बराबर है, नहीं है, Q 0 के बराबर है, नहीं है, आंसर हो गया, बस इतना सा करना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ये मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5, ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने किए हैं 3/5 and 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हम 1.1 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, बोला है हम नेचुरल नंबर होता क्या पहले वो जान लेते हैं, और होल नंबर क्या है पढ़ चुके हैं हम अभी, तो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो हम साफ देख पा रहे हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, 0 तो खुद 0 लगा तभी तो होल नंबर बना, उसने पूछा है कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो बताइए कि यस दिस इज ट्रू, है ना, ये नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि हमने देखे यहाँ पे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे तक जा रहा है और ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें होल नेचुरल नंबर भी आ रहा है होल नंबर में, इसीलिए हम बोलेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू। और इसका गिव रीजन कैसे करिएगा, रीजन कैसे दीजिएगा, तो एग्जांपल में ये लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर,
बोला है कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं? सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं। देखिए इंटीजर क्या होता है और होल नंबर क्या है। इंटीजर वो नंबर जो नंबर लाइन पर हो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री भी माइनस फोर भी, यहाँ वन यहाँ टू यहाँ थ्री यहाँ फोर, है ना। और इसमें क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर से लेकर इनफिनिटी। अब देखते हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर दिख रहे हैं आपको? देखिए ये है जीरो, यहाँ है जीरो से लेकर स्टार्ट इधर, और यहाँ पर है जीरो से लेकर स्टार्ट, तो मात्र इतना पोर्शन ही तो मिल रहा है ना। सारा इंटीजर थोड़ी ना, सारे इंटीजर थोड़े ना होल नंबर है, इतना तो पोर्शन बच गया माइनस वाला, और माइनस वाला तो होल में होता ही नहीं है। तो पढ़े हैं हमने बचपन में भी, है ना, एट में ही पढ़े हैं। तो सारे होल नंबर जो है, अगर हमसे पूछता कि क्या सारे होल नंबर इंटीजर है तो बोलते यस, लेकिन यहाँ पर बोला है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो बोलेंगे नो, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, और इसका एग्जांपल रीजन देने के लिए बोलेगा तो ये लिख के आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर है? तो रेशनल नंबर कहाँ, रेशनल नंबर का जो होता है इसको क्यू से डिनोट करते हैं, तो रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और कहां होल नंबर होता है कि मैं जीरो से स्टार्ट होता हूं और जाता हूं इंफिनिटी तक। ठीक है, तो कहां ये p अपॉन q और कहां ये जीरो से स्टार्ट होने वाला 1 2 3 4, तो क्या कभी भी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ कुछ रेशनल नंबर होल नंबर है, लेकिन सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। कुछ रेशनल नंबर कैसे हैं? तो बोलोगे कि आपने अभी बताया था सर कि जीरो जो होता है वो एक रेशनल नंबर है, तो जीरो एक रेशनल नंबर है और जीरो एक होल नंबर भी तो है। तो अगर वही अगर मैं बोलूं कि 2 अपॉन 3 लिखा हुआ है तो ये रेशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं, तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट जो है हमारी वो फॉल्स है। क्लियर है, तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अगला जो 1.2 है उसका बेसिक और एक्सरसाइज हम लेके आएंगे जल्दी। ओके, कीप वॉचिंग एंड टेक केयर।